बस यही कहना चाहूंगा, एक गर्व का विषय है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पिंड के लिए कि मैं भारतीय सेना में एज अफसर के रूप में चुना गया हूँ। और ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे गांव के लिए बहुत एक सम्मान की बात है। आर्मी तुझे कब पड़ती रही थी? भारतीय सेना में मेरी 3 अक्टूबर 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। फिर हमारा 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 7 सितंबर 2024 को मैं लेफ्टिनेंट के रूप में चुना गया, लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती होकर भारतीय सेना में आया हूँ। इस मुकाम पर तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी? हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, फिर शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। इसमें मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया। गांव का भी एक बहुत आवश्यक रोल रहता है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है HSB, उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें जब इंटरव्यू में बैठते हो तो उसमें जो एक चीज सबसे मेन होती है कि आप कहाँ से आते हो, वो आपको ज्यादा निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो जहाँ से आप आते हो, सबसे पहले आपकी स्कूलिंग वहीं से चालू होती है, उनसे आप सीखते हो और वही आपके व्यवहार में, आपके आचरण में वो बात डलती है, और फिर आप वही आके आगे जाके चीज दिखाते हो। तो परिवार तो कितना सहयोग रहा था डेज कामयाबी, मगर परिवार का बहुत ज्यादा राय, चाहे मेरे चाचा जी हो, मामा जी हो, मेरी नानी जी हो, मेरी माता जी हो, एंड मेरे ताऊ जी, ताई जी, जो मेरे सिबलिंग्स हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। परिवार में और भी है कोई जो आर्मी जो देश की सेवा कर रही है इस बेले? हाँ जी, मेरे ताऊ जी BSF से रिटायर्ड हैं, मेरी मदर जो मेरी माता जी हैं वो खुद अभी CRPF में सब इंस्पेक्टर ग्रुप में सर्व कर रही हैं। मेरे नाना जी हैं वो सूबेदार से रिटायर हुए थे, AMC आर्मी मेडिकल कोर से। और मेरे पिताजी हैं वो भी CRPF में सेवा दे चुके हैं। तो ऐसे मेरी परिवार में अलग अलग लोग भारतीय सेना में और भारत भारत के लिए सर्व कर रहे हैं। जो नौजवान इस वेले नशे वाले जा रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को की मैसेज देना चाहोगे तुम? उन नौजवानों को बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे संयुक्त राष्ट्र में भी कहा है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा जो युवा आबादी है वो हमारे देश की है। तो जो युवा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, अगर अपनी ऊर्जा है वो सही दिशा में लगाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। नशे में पड़ना एक बहुत गलत चीज है, जिससे आप नहीं, आपका परिवार, जो आपका समाज है आसपास का, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है उसमें ना पड़े, जो आपकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं, देश के लिए लगाएं, अपने गांव के लिए लगाएं, अपने लिए लगाएं, अपने परिवार के लिए लगाएं। तो इससे क्या होगा, आपका परिवार भी बढ़ेगा, आपका जो समाज है जिस परिवार के आप रहते हो वो भी आगे बढ़ेगा, और तो आपका देश तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटा लेफ्टिनेंट बना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा आर्मी में लेफ्टिनेंट बना है। ये अरुण जी स्टडी है वो कितने हुई थी? अरुण जब एक्चुअली 4.5 साल का था, जब इसके फादर एक्सपायर हो गए जो CRPF में सर्विस करते थे, मैंने उनकी जगह 2005 में ज्वाइन किया। और मैं सब इंस्पेक्टर क्लर्क हूँ CRPF में अभी, और जालंधर में पोस्टेड हूँ। मेरा एक ही बेटा है अरुण। मैं जहाँ भी ट्रांसफर गई हूँ, जहाँ भी मेरा स्थानांतरण हुआ है, मेरा बेटा KB में ही स्टडी किया है 12th तक, और इसने BTech करी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। अरुण का रहन सहन कैसा था बचपन, स्थान सीखा था किस तरह से? हाँ, शरारती था, पर मैंने जो टाइम दे दिया कि अगर 7 बजे खेल के आना है तो 7 बजे आना है, मतलब टाइम का बहुत पंचुअल स्टार्टिंग से ही है। और मुझे कभी बार बार इसे उठाना नहीं पड़ा, मैं एक आवाज देना और ये उसी टाइम उठ के पढ़ने के लिए बैठना, इसलिए मुझे कभी परेशान नहीं किया। शुरू से पढ़ाई के लिए तो बड़ा सीरियस रहा है। हुन तुसी जो नौजवान हो उनकी मैसेज देना चाहोगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे जो नशों में पढ़ रहे हैं उन नशों से दूर रहें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें, अपने पेरेंट्स के कहने पे चलें, और बस अपनी स्टडी पे ध्यान फोकस करें। बहुत फख्र महसूस हो रहा है, बाकी साढ़े आंढ़ गुआंढ़ जिन्हें भी पिंड वाले बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पहला ही पिंड का पहला ही बच्चा है जिहड़ा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनया है। माता पिता का नाम रोशन किया है, ताए चाचियों का भी नाम रोशन किया है। तो मैं बहुत फख्र महसूस हो रहा है अपने भरा से। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ 3 ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ।